आमना के लाल पर लाखों सलाम। रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन। मुल्क भर में आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। हर सू दरूद सलाम की सदाएं बुलंद, घर घर जश्न का समा, मस्जिद गलियों बाजारों और घरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। लाहौर में दिन का आगाज अयूब स्टेडियम कैंट में 21 तोपों की सलामी से किया गया। फजा तोपों और नारा तकबीर अल्लाह अकबर से गूंज उठी। मसाजिद में भी खुसूसी दुआओं का अहतमाम। मुल्क में अमन सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं मांगी गईं। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी अल्लाह की आतात की मुजस्सम तस्वीर है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पैगाम। कहा आपकी तालीमात हमागीर और आफाकी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मशअले राह बनाए। नबी करीम की ज़िंदगी हमदर्दी, रवादारी और मोहब्बत की ताबिंदा मिसाल है। आपका किरदार और आमाल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, नबी अकरम ने इंसानियत की फलाह और दुनिया आखरत में कामयाबी का अबदी निज़ाम दिया। वर्ल्ड कप से पहले शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज वार्म अप मैच में आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे राजीव गांधी स्टेडियम में शुरू होगा। शाहीनों ने गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस की। आज बांग्लादेश और श्रीलंका भी वार्म अप मैच में आमने सामने आएंगे। तीसरे वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कर्क और मलेका इलाकों में जालाबारी। केपी पंजाब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। सिंध में गर्मी का राज बरकरार रहेगा।